तो हमारे कुछ सवाल है प्रधानमंत्री जी से। हमारा पहला सवाल तो यह है कि आप ही की नाक के नीचे ये घोटाले हो रहे हैं तथा कथित, आप ही की नाक के नीचे ये धांधली हो रही है, तो इस पर चुप्पी तोड़िएगा या नहीं तोड़िएगा? क्या प्रधानमंत्री अपनी सीधी निगरानी में हो रहे भारत माला घोटाले, जिससे सीसीए के अध्यक्ष आप हैं, उस पर चुप्पी तोड़िएगा, उस पर कार्रवाई करिएगा? क्या केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के खिलाफ और मंत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? एक एनएचएआई का मामला आया है, एक द्वारका एक्सप्रेसवे का आया है, भारतमाला का आया है। क्या प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत में हो रहे फर्जीवाड़े पर कुछ करेंगे, और क्या वो पता करेंगे कि आखिर लाभार्थियों का पैसा गबन किया तो किसने गबन किया? क्या वो पता करने की कोशिश करेंगे कि वृद्ध का, विधवा का, विकलांग का, ग्रामीण विकास मंत्रालय का पैसा दूसरी योजनाओं पर खर्च क्यों किया जा रहा है? क्या प्रधानमंत्री ये जानने का जरा सा भी प्रयास करेंगे कि अयोध्या में जमीन की धांधली के बाद जो अयोध्या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में घोटाले हो रहे हैं और अनुचित लाभ ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, वो कौन पहुंचा रहा है? और अंत में मैं सिर्फ ये कहूंगी कि किसी जमाने में सीएजी का नाम सुनकर अधिकांश मीडिया को करंट लग जाता था। यह अलग बात है कि जो तथाकथित रिपोर्टें थी वो झूठी साबित हुई, और मारे पेपर दिखा दिखा कर सुबह शाम दिन रात प्राइम टाइम चिल्ला चिल्ला के शो होते थे। उस मीडिया ने चुप्पी धारण कर ली है, प्रधानमंत्री भी मौन है, लेकिन मुनाफाखोरी, कमीशन खोरी और जनता के पैसे की जो लूट हो रही है उससे पर्दा खुद सीएजी उठा रहा है, खुद इस देश का चीफ ऑडिटर उठा रहा है। और हमें पता है कि मोदी जी जवाब नहीं देंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी जिस व्यक्ति ने पर्दाफाश किया उसको बर्खास्त करेंगे, रेड कराएंगे और ऐसी संस्था को जेल भेजने का काम करेंगे।